हेलो एवरीवन, लव स्टोरी टेलर पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आज की रनवन स्टोरी शुरू करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगे। ये मोरन और चुएनिंग की स्टोरी है, जो कि आपस में एक टीचर और स्टूडेंट होते हैं। मोरन एक पर्वर्ट स्टूडेंट होता है और हमारा चुएनिंग एक बहुत ही ऑबिडेंट टीचर होता है, जो अपने अपने स्टूडेंट को संवारने के लिए कुछ भी कर देता है। इवन उसकी कॉन्सॉर्ट उसकी वाइफ तक बन जाता है। ये इसका थर्ड पार्ट शुरू होता है गाइस। एक लड़की गाना गा रही होती है, मेरा दिल पानी की तरह है और मेरे थॉट्स धूल की तरह, और इस कोल्ड नाइट में ये स्प्रिंग ग्लो कर रहा है और हेवेंस जो हैं वो फेवर कर रहे हैं इस ग्रास को, और इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है आंधी और स्नो के अलावा। वो उसकी आवाज़ बहुत ही जेंटल होती है और वो यू ओपेरा में एक सिंगर होती है। जैसे ही आवाज़ मोरन के कानों तक गूंजती है, उसका सिर जो है बहुत चकराने लगता है और वो कहता है, कौन है ये जो शोर मचा रहा है, कौन है ये जो राग सा गाए जा रहा है। इस क्रिएचर को उठाकर, इस लड़की को उठाकर ना माउंटेन से नीचे फेंक दो। जैसे ही वो बोलता है, मोरन रियलाइज़ करता है कि कुछ कुछ तो गलत है। क्या है, वो मरा नहीं? उसके मन में जो हेट्रेड, नफरत, सफरिंग, लोनलीनेस थी, उसके दिल को चेस्ट में ऐसा लग रहा था जैसे चुभ रही हूँ, और उसे और दर्द हो रहा था। मोरन अपनी आंखें खोलता है और वहाँ पर उसे वो जो एक्सपीरियंस लेता है ना, वो उसकी मरने से पहले का ही था। वहाँ पर सच में ऐसा लग रहा था जैसे स्नो चल रही हो इस आंधी में। वो अपने आप को एक बेड पे पाता है, और वो उसका बेड नहीं बल्कि वो लाइव डेथ पीक थी। यहाँ पर बेड जो था वो डेकोरेट हुआ गया था बहुत सारी चीज़ों से। वुड की स्मेल जो थी वो बहुत ज़्यादा मेकअप जैसी आ रही थी, और वहाँ पर एक ब्लैंकेट था जिसकी शेड बहुत ही पिंक और पर्पल थी। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ठीक ठाक थी, जैसे कि मैंड्रिन डक्स की होती है। तभी वो देखता है कि इस तरह के ब्लैंकेट को सिर्फ विमेन यूज़ करती हैं, वो भी ब्रोथल के। मोरन जो है वो इस मोमेंट अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो कहाँ है। वो जैसे ही देखता है, वो जीने और मरने के बीच झूल रहा है। मतलब ये टाइल पैलेस होता है। टाइल प्लेस का एक ब्रॉथल था जहाँ पे वो अक्सर आया जाया करता था अपने यूथ में। और वो ये देखकर कि यहाँ पर पार्टी चल रही है और वहाँ की जो रूफ थी वो सारी उसे देखता है और पहचान जाता है। यहाँ पर जो है क्लाइंट और प्रोस्टिट्यूट मिलते थे और वो अपने अच्छे रिलेशंस बनाया करते थे। मोरन की यूथ का ये टाइम होता है, उसे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं कि किस तरह से वो 10-10 दिन तक महीने के यही पढ़ा रहा करता था इसी ब्रोथल में। ये ब्रोथल अभी भी चेंज नहीं हुआ, ये तो 20 साल पुरानी लगभग बात है, जब वो वाइन की शॉप पर आया करता था। और मरने के बाद वो एकदम से इस ब्रोथल में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है यहाँ। वो तभी जो है देखता है, शायद उसके पापा का कर्म है कि वो अभी तक जिंदा है और उसे इतनी ज़्यादा चोट भी नहीं लगी। और यहाँ पर ना जाने कितने यंग वुमेन मैन सब थे। तो किंग जो है वो अंडरवर्ल्ड में पनिश हो रहा है लगता है, और उसका रिकार्निकेट हो चुका है। उसका रीइनकार्निएट जो हुआ है वो ब्रोथल में हुआ है ताकि वो क्लाइंट वगैरह रिसीव कर सके। जैसे ही वो ये सब बकवास अपने दिमाग में सोच रहा होता है ना, वो खुद को देखता है कि उसके पास एक बंदा सो रहा है। जैसे ही वो इस सिचुएशन में खुद को पाता है, वो देखता है कौन है वो पर्सन जो उसके आसपास सो रहा है। वो पूरी तरह से न्यूड था, जो आसपास उसके बंदा सोया था वो बहुत यंग लग रहा होता है। उसके फेशियल फीचर्स भी अलग होते हैं, बहुत फेयर और अडोरेबल सा होता है। और ये उसका जेंडर बताना थोड़ा सा हार्ड था। मोरन जो है वो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस थे। जैसे ही वो उस आदमी को देखता है, वो समझ जाता है ये एक जिगोलो है, यानी कि मेल प्रोस्टिट्यूट। और वो अपनी ड्रीम लैंड से उठता है और एकदम से उसे जो है वो आदमी उसे हक करता है। वो मेल प्रोस्टिट्यूट था और शायद वो बहुत यंग था। उसका नाम रोंग सैन था, इसे रोंग जियो भी कहा जाता था। वो जो सैन और जियो जो नाम था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि ये मेल प्रोस्टिट्यूट ये बहुत सारी चीज़ों से कॉन्ट्रैक्टेड था, जैसे कि वनरल डिसीज, और ये बहुत पहले मर चुका था, बहुत साल पहले। और इसका कॉप्स अब तक तो वो भी ख़राब हो चुका होगा, लेकिन ये यहाँ जिंदा कैसे है। मोरन को समझ नहीं आ रहा कि एकदम से ये फेयर सॉफ्ट स्किन वाला बंदा है, इसके बेड पे आकर कैसे बैठ गया है, और इसके शोल्डर और उसकी नेक जो है वो बिल्कुल ब्लैंकेट से कवर्ड है। क्या वो जो है उसकी लव बाइट जो है उसके शरीर पर वो किसने दिए। तभी मोरन जो है वो ब्लैंकेट को खींचता है और नीचे की तरफ उसकी बॉडी पर देखने लगता है। रोंग जियो या फिर रोंग सन, जो भी उसका नाम था, वो
उसे चलो हम रोंगजियो बोल लेंगे, वो बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छा इंसान था और उसकी बॉडी पे विप मार्क थे जैसे कि किसी ने उसे चाबुक से मारा हो, और उसकी पेल वाइट जेड स्किन, उसकी थाइस और उसकी जैसे बॉडी पे बहुत सारी रेड कलर की रोप बंदी हो, इस तरह के मार्क्स थे। बुरन अपनी जो है ठोड़ी को खुजलाते हुए सोचता है ये कैसा किंकी सा है, और वो जैसे ही देखता है वो देखता है ये मैन बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। इसकी फैमिलियर पिक्चर उसके दिमाग में आती है कि ये कितना अजीब सा है, लगता है किसी ने इसे बांध के रखा है। वो जो है एक कल्टीवेटर है और वो इस तरह के दुनिया में कैसे आ गया, शायद उसने रिबर्थ लिया हो इस मोमेंट, वो अपनी पास्ट लाइफ में आ गया किस लिए, वो कन्फर्म करता है अपने थॉट से। और मोरन जो है वो देखता है वहाँ पे एक ब्रॉन्ज मिरर था, वो उसके पास जाता है, उस डल सरफेस को साफ करता है और अपने अपीयरेंस को देखता है। मोरन 32 ईयर ओल्ड था और मरा नहीं, लेकिन वो जैसे मिरर में देखता है वो उसका फेस बहुत ही चाइल्डिश लग रहा होता है, उसके हैंडसम फीचर्स होते हैं और वो अपनी यूथ का रिजेंबल कर रहा था, अपनी यूथ के टाइम को। वो 15 या 16 ईयर ओल्ड होगा और वहाँ पर कोई भी नहीं था उस रूम में, थस वो बहुत ज़्यादा साइलेंट था और बहुत टाइम से वो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में था। तो क्या उसे शूजोंग बुली करने वाला है, क्या एम्परर जो मॉर्टल रेल्म का है वो लॉर्ड, वो दोबारा से वो ताक्षा जुन मोरन जो है वो यहाँ पर आ गया। उसके मुंह से निकलता है फक फक, मैं रोंगजियो के आसपास सो रहा हूँ, ये प्रिटी बॉय। धीरे से उठता है, उसकी जो ब्लैंकेट होता है वो उसके शोल्डर से स्लिप होता है, वो अपनी बहुत सारी पेल बॉडी को एक्सपोज कर रहा होता है, उसके बाल जो हैं अभी भी धीरे से हल्के से लूजली बंद होते हैं, और वो कहता है यंग मास्टर मो आप इतनी जल्दी उठ गए। मोरन जो है उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे, 10 साल पहले ये आदमी मर चुका था, ये कैसे जिंदा हो गया। और 32 ओल्ड ताशियान जोन जो है जो कि इतना ज़्यादा सस्पेक्ट किया करता था लोगों पे, उसका ब्रेन जैसे किसी गधे ने लात मार के कहीं फेंक दिया हो, उसे नाइटमेयर आ रहा है क्या, ये इस आदमी के साथ लास्ट नाइट सोया था, इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगा, क्या ये नाइटमेयर है। मोरन के दिमाग में यही बातें चल रही थी, वो थोड़ी देर के लिए तो स्पीचलेस हो जाता है, उसे नहीं पता क्या बोले रोंगजियो को। वो सोचता है वो शायद बैड मूड में हो, तो रोंगजियो भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, वो आराम से बेड से खड़ा होता है, वो विंडो की तरफ जाता है और हक करता है मोरन को बिहाइंड से, और कहता है यंग मास्टर मो आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, आप इतना हमारे बीच गैप क्यों रख रहे हैं, हाँ आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। और जैसे ही वो ये हक करता है ना, मोरन का पूरा फेस तो काला पड़ने वाला था, वो चाहता था इस डेविल आदमी को ना वो एक एक करके नोच दे, तोड़ दे, मार मार के चाटा, इसका मुंह लाल कर दे, इसकी हिम्मत कैसे हुई एक राजा को होल्ड करने की। लेकिन फिर भी वो अभी भी कंफ्यूज था, उसे नहीं पता था वो किस सिचुएशन में, और आखिर ये भगवान उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, क्या वो सच में रिबॉर्न हो गया है या उसने दोबारा से जन्म ले लिया है। और वो देखता है जो रोंगजियो है उसके चेहरे पे कितने सारे निशान हैं, रोंगजियो लास्ट नाइट क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ, और शायद वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मोरन जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बिना कुछ प्रिटेंड करते हुए पूछता है आज क्या दिन है, तभी रोंगजियो एकदम से ठहर जाता है और स्माइल के साथ कहता है ये 4th दिन है 5th लूनर मंथ का, वो कहता है और 33rd ईयर इन द साइकिल, तो वो कहता है वो तो लास्ट ईयर थी, ये साल 34th है साइकिल का। यंग मास्टर मो आप कैसे भूल सकते हैं, ऐसा लगता है आप जैसे पीछे जा रहे हैं, क्या आप जिंदा हैं। 34 ईयर इन द साइकिल मतलब उसके इमोशंस फिर होने लगते हैं, मोरन जो है उसकी आंखें, उसका दिमाग क्विकली काम करना शुरू होता है और वो याद करता है कि 34 ईयर ऑफ साइकिल में वो 16 साल का हो जाएगा, और वो उस जो कि लॉर्ड था लाइफ और डेथ पीक का, उसे अब लोग बाग लॉन्ग लॉस्ट नेफ्यू के नाम से जानेंगे, वो उसे लोग बाग बुली करेंगे और बोलेंगे डॉग, वो फोनिक्स की ब्रांचेस में जाएगा, और क्या वो सच में रिबॉर्न हो गया, क्या ये ड्रीम जो था उसका एम्प्टी था मरने के बाद, क्या ये मरने के बाद सपनों की दुनिया में उलझ गया है। रोंगजियो हंसता है और मोरन के उसके सपने से निकालते हुए बोलता है यंग मास्टर मो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, सिंस आपको कुछ याद नहीं है कि डेट वगैरह, तो आप यहाँ बैठी है, मैं जाता हूँ किचन में आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जो है खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। मोरन जस्ट अभी रिबॉर्न हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, और यहाँ पर ये बंदा ये अभी तक उसके पास है और ये इसके पास सोने आया है। वो याद करता है इस बंदे को जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्कस लगता है, और वो हंसता है, वो पिंच करता है रोंगजियो की थाई को और कहता है नहीं दैट्स
ऑल बी नाइस, चलो एक खोंगी का बॉल ले आओ और मुझे खिलाओ। जब भी तुम वापस आओगे, रोंगजू जो है वो अपनी ड्रेस को पहनने लगता है एंड चला जाता है। और अभी उसे ज़्यादा देर नहीं होती, वो वापस आता है एक वुडन ट्रे के साथ जिसमें पम्पकिन की कोंगी होती है। वो दोनों के दोनों स्पायरल जगह पे बैठ के एक ब्रेड को लेकर उसके साथ खाने लगते हैं। मोरन जो है वो थोड़ा सा हंग्री था और वो उस ब्रेड को लेता है। जब रोंगजू जो है सडनली अपना हाथ एक साइड रखता है तब वो कहता है, क्या तुम मुझे खिलाना नहीं चाहोगे? और सॉरी, रोंगजू पूछता है, क्या तुम मेरे हाथ से खाना चाहोगे? रोंगजू जो है वो उस ब्रेड को उठाता है और बैठ जाता है मोरन की लैप पे। और तभी के तभी उसके आउटर जो थे वो जो है वो थोड़े से साइड होने लगते हैं, उसकी थाइस दिखने लगती है और वो मोरन की स्किन के अगेंस्ट अपनी स्किन को प्रेस करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सटकते हो जाता है। और वो उसका इंटेंशन जो था वो सिड्यूस करना था बिना किसी वर्ड के। मोरन जो है वो रोंगजू के फेस को थोड़ी देर तक घूरता है। रोंगजू जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी हो रहा था, तो वो कहता है, क्यों ना तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, खाना ठंडा हो जाएगा। मोरन जो है वो चुप रहता है एक मोमेंट के लिए और फिर उसे याद आता है कि जो भी रोंगजू ने किया था उसके पीठ के पीछे प्रीवियस लाइफ में, एक स्वीट अफेशनेट स्माइल रखने वाला ये बंदा, ये धीरे धीरे उसका चेहरा जो है कितनी चीज़ें इसने फैला दी थी। एज अ लॉर्ड ताशियन उसने बहुत सारी चीज़ें की, लोगों को मारा, इवन वो चाहता था कि लोगों को और भी ज़्यादा सताया जाए, लेकिन वो इम्प्रोवाइज़ करना चाहता था आज अपनी एक्टिंग एज अ चाइल्ड प्ले। वो उसके लिए इतना हार्ड नहीं था और वो कम्फर्टेबली एक चेयर पर बैठता है और कहता है, आओ इधर बैठो। तो वो कहता है, मैं यहाँ बैठा हुआ तो हूँ। तो वो कहता है, यू नो मैंने तुम्हें कहाँ बैठने के लिए कहा है। रोंगजू जो है वो लाल होने लगता है और वो कहता है, तुम बहुत जल्दी में हो सर, क्या तुमने फिनिश नहीं किया खाना? उससे पहले ही जैसे ही वो कुछ बोल पाता, मोरन उसे धीरे से अपने पास जो है पुल करता है और उसे शिफ्ट करके अपने पास बैठा देता है, नीचे की तरफ बैठा देता है। रोंगजू के हाथ जो है वो अभी भी हिल रहे होते हैं और उसके हाथ में वो कोंगी थी जो कि फ्लोर पर गिर जाती है जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। और तभी वो कहता है, यंग मास्टर मो बाउल। तो मो व्यू कहता है, ध्यान मत दो, बट तुम्हें उससे पहले कोई और चीज़ खानी होगी। मोरन जो है उसे वेस्ट से पकड़ता है और वो कहता है, मैं खा रहा हूँ। देखिए मोरन जो है वेस्ट से पकड़ता है और उसकी आँखें जो हैं रोंगजू के लवली फेस को देख के, बहुत ज़्यादा एक्सपोज नेक को देख के उसकी आंखें बड़ी होने लगती है। प्रीवियस लाइफ में स्पेशली उसे पसंद था किस करना उन लिप्स को जो कि इस वक्त उसके सामने थे, लेकिन ये बॉय ये इतना बिजी नहीं है, ये बहुत सारी बातें कहने में बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस वक्त इसे ऐसी कोई भी चीज़ फील नहीं हो रही थी। रोंगजू का माउथ जो है वो कंप्लीट कर चुका था उसका टास्क और उसके पीछे था। मोरन फील करता है कि उसका माउथ जो है वो उसमें से बदबू आ रही है और वो अब इस चेहरे को किस नहीं करना चाहता था बिकॉज वो अभी जस्ट उठा था और उसने ब्रश भी नहीं किया। जो 32 ईयर मोरन था ना और 15 ईयर ओल्ड मोरन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जैसे कि 15 ईयर ओल्ड जो मोरन था वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था इंटीमेट होते हुए, लेकिन 32 ईयर जो मोरन था वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था और उसके डीड जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। और वो देखता है रोंगजू की तरफ जो अभी भी बहुत बुरी तरह से सांस ले रहा था और अनकॉन्शियस था। वो तभी के तभी नीचे की तरफ देखता है, उसकी आंखें जो हैं वो डार्क हो जाती हैं और वह जैसे ही देखता है वो स्माइल करता है स्वीटली। वो अच्छा दिख रहा था, वो स्माइल कर रहा था, उसकी जो आइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में हो गई थी और उसकी वॉइस बहुत डीप थी। और वो देखता है कि ये बंदा भी रोंगजू, वो उसे उसके बालों से उठाता है और वो उसे कैरी करता है अनकॉन्शियस पर्सन को बेड तक और उसे उठाकर वो जो फ्लोर पर चीज़ें पड़ी हुई थी टूटी फूटी वो उसे उठाता है और रोंगजू के फेस पर फेंक देता है। इवन उसका ये रिवेंज था उसके लिए, शायद उसके मन में कुछ पुरानी चीज़ें रह गई होंगी। वो मन में सोचता है कि उसने कितनी हेल्प की थी रोंगजू को बिजनेस देने में पास्ट लाइफ में, लेकिन ये आदमी रोंगजू ये किसी का सगा नहीं है। इवन वो प्रोक्लेन जो होता है जिसकी साइड्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं वो
भौंकजियों की चीख पे मार देता है। ये पर्सन जो है बिजनेस करने में, वो भी अपनी बॉडी से बिजनेस करने में बहुत तेज है, तो इसलिए वो उसके चेहरे को रुइन कर देता है ताकि उसके पास कुछ ना बचे। ये प्रिटी बॉय ये स्ट्रीट्स पर एक कुत्ता की तरह रहा करता था और ग्राउंड पे रेंगता रहता था, लोग इसे बूट से मारा करते थे, और आज देखो इसे, ये कितना हैप्पी है और मुझे खुश करना चाहता है। ये चीज़ें मोरन को कहीं ना कहीं दिल में उसके मतलब आ भी नहीं रही थी। मोरन स्माइल करता है, इवन उसे मन कर रहा था इस आदमी का मुंह तोड़ने का, लेकिन जब वो इसके चेहरे पे से वो ब्लड देखता है, वो अनकॉन्शियस पर्सन जो होता है वो धीरे से रोने लगता है अपनी वॉइस में, और उसकी लैशेस भीग जाती हैं। मोरन का हाथ रुक जाता है और वो कुछ याद करता है जो उसे याद होना चाहिए। मैं अपने चैप्टर को यहीं गाइस ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो, और देखना है मोरन ने इसके साथ इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट क्यों किया, ये हम जानेंगे आगे फर्दर स्टोरी में कि मोरन ने इसके साथ एक तो फोर्सफुल इससे कुछ करवाया और उसके बाद इसे इस तरह से ब्रूटली छोड़ दिया। इसके पीछे राज क्या था, आखिर कौन था ये बंदा और क्या था इसका राज जो मोरन ने इसे ऐसे ट्रीट किया, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।